यहाँ पे लगभग होंगी 2,000-2,500 भैंसें पूरे मोहल्ले में। दूध क्या रेट जाता है? दूध 60 रुपये, भवान नहीं पहले 50 था, अब 60 रुपये। अब 60 है तो खुश हो 60 रुपये रेट से? खुश कहाँ है, आफत ही बिटने, 2 साल से तो मामला खराब है बहुत। 65 बिकता है। 65 रुपये बिकता है, सबसे तो बढ़िया ही हो आप। जैसे यहाँ पे मैंने अभी दो लोगों को इंटरव्यू किया था तो 60 रुपये में बेच रहे हैं आप, 65 रुपये में बेच रहे हैं। उनका हम लेते हैं। अच्छा, उनका आप लेते हो? उनका भी लेते हैं। बड़ी डेयरी है तो 5 लोग हो? जी। सब भाई लोग होंगे कि बाहर के भी लोग हैं? नहीं, ये है तो फिलहाल भाई लोग ही हैं। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे एक कैटल कॉलोनी है। और जैसे आप देख पा रहे होंगे इधर साइड एक नदी है और इस साइड थोड़ा सा ड्राई हो गई है, सूख गई है, बाकी इधर साइड पूरे में नदी है। तो यहाँ पे लगभग बहुत सारे डेयरी किसान हैं, अपनी अपने पशु पालते हैं, कोई भैंस पालता है, लगभग भैंस ही पालते हैं, थोड़े मात्रा में ही गाय देखने को मिलती है दवा के रूप में। तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आती हैं, कितने कुल डेयरी फार्मर हैं, कितने भैंसों का पालन होता है, दूध कहाँ बेचते हैं, किस रेट पे जाता है, क्या खिलाते हैं, क्या रेट में मिल जाता है, सारा कुछ जो यहाँ का जीवन है पशुपालकों का उनसे मिलते हैं और लगभग 4-5 डेयरी फार्मरों से मिलकर बातचीत करते हैं। आइए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। कैसे हैं जी? सर बढ़िया हैं। यहाँ पे आपका डेयरी फार्म है जी, डेयरी फार्म का नाम बताइए और यहाँ की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताइए। जी, जिला बुलंदशहर, काली नदी का पुल, मोहल्ला सरायका जी, और हशमुद्दीन नाम से डेयरी है। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितने लोग डेयरी का काम करते होंगे? यहाँ पे लगभग होंगी 2,000-2,500 भैंसें पूरे मोहल्ले में। 2,000-2,500 भैंसें होंगी पूरे मोहल्ले में? हाँ जी। अच्छा, सब लोग कितनी कितनी भैंसें रखते हैं? किसी पे 60 हैं, किसी पे 50, किसी पे 30, किसी पे 100 हैं। अच्छा, आपके पास कितनी है? हमारे पास 40 भैंस हैं। आपके पास 40 भैंस हैं? जी। अच्छा, तो कितने लोग कर लेते हो 40 भैंसों का काम? हम 8 लोग करते हैं। 8 लोग करते हो जी। अच्छा, तो यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं आती? समस्या जैसे शहर के अंदर है तो आए दिन नोटिस आते रहते हैं भैंसे हटाने के, और जो यहाँ कोई भैंस वाले के लिए कोई लाभ नहीं है, प्रधानमंत्री योजना से या कोई सरकार की तरफ से वो नहीं है, जैसा बाहर हरियाणा में है या पंजाब में है, कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं, यहाँ कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, जैसे नगर पालिका वाले तो परेशान नहीं करते कि आप यहाँ पे आते रहते हैं? नोटिस आते रहते हैं यहाँ। अच्छा, नोटिस भी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। अच्छा, क्या भैंसे बाहर निकालनी है शहर से? तो आप नगर पालिका से नहीं बोलते हो? बोलते हो क्या कि हमें लैंड दीजिए कहीं बाहर दीजिए तो हम वहाँ पे अपनी डेयरी बनाएं? नहीं, वो इस बार में कोई जवाब नहीं देते, वो तो बस बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, नोटिस आते हैं कोर्ट के। तो आप ही नहीं बोलते कि भैया हम लोग जो इतनी मेहनत करके शहर को शुद्ध दूध पिला रहे हैं? अभी तो काफी दिन से आया नहीं है, अभी 1-2 महीने पहले आए थे नोटिस। अच्छा। उसके बाद में भी कोई आया नहीं है। ठीक है, धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। ठीक है, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जाकिर मोहम्मद जाकिर। आपके पास कितनी भैंसे हैं? भैंसे हैं 26-27। 26-27। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारे लोग भैंस ही पाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो भैंसों में बीमारियाँ आ जाती हैं डॉक्टर आता है? डॉक्टर आते हैं, प्राइवेट डॉक्टर आते हैं। ज्यादा समस्या होती है हॉस्पिटल रोड पर। अच्छा, तो वहाँ ले आते हैं। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती फीड की, फॉडर की? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूध क्या रेट जाता है? दूध 60 रुपये, भवान नहीं पहले 50 था, अब 60 रुपये। अब 60 है तो खुश हो 60 रुपये रेट से? खुश कहाँ है, आफत ही बिटने, 2 साल से तो मामला खराब है, बहुत महंगा चारा है। उस टाइम तो बस हुआ, बस रोटी दाल रोटी मिल रही है, है कुछ नहीं। दाल रोटी मिल रही है, मतलब बार, काम बार, है भैंसों का तो कर रहे हो? कर रहे हैं, मतलब आफत ज्यादा है, आमदनी नहीं है उस हिसाब से। अच्छा, तो दूध कहाँ देते हो आप? दूध ग्राहक ले आते हैं कुछ यहीं से, कुछ यहीं डेयरी है, पास में डेयरी खुली भी, हमें छोटे छोटे डेयरी अपना देते हैं, प्राइवेट डेयरी अपना देते हैं 60 रुपये में। तो आपके यहाँ से काउंटर नहीं जाता है? नहीं, काउंटर नहीं है। काउंटर नहीं है? अच्छा, चलो ठीक है भैया, फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद माज। तो आपको ये पता है जो काली नदी के पास डेयरी फार्म है ये कब से चल रहे हैं? ये हमारे दादा के टाइम से चल रहा है। दादा के टाइम से, मतलब कि 1-2 पीढ़ी हो गई? हाँ, 2 पीढ़ी हो गई। अच्छा, तो आपके पास कितने जानवर हैं? हमारे पास 40-50 जानवर हैं। 40-50 जानवर हैं। तो आप डेयरी फार्म के काम में कब से आए, कब से आप करने लगे? 20 साल हो गए हमें। 20 साल हो गए? तो क्या पैदा होते डेयरी पे ही आ गए थे क्या? ना, हमारे फादर करते हैं ना। अच्छा, 20 साल से फादर साहब कर रहे थे आपके। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल है। आप कब से डेयरी फार्म में डेडिकेट हो गए हैं? 5-6 साल से। आपने पढ़ाई तक कहाँ तक की है? 12th में, अभी एग्जाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई अच्छी लग रही है कि डेयरी फार्म अच्छा लग रहा है? पढ़ाई भी ठीक है, अपना काम भी ठीक है। अच्छा अच्छा, अपना काम है तो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी आपके डेयरी फार्म में कितना दूध का उत्पादन होता है? 2 क्विंटल दूध हो जाता है। 2 क्विंटल दूध हो जाता है। कहाँ देते हो आप?
हमारी दुकान पर बिकता है अपना। अच्छा काउंटर है आपका, किस रेट से बेचते हो? 65 बिकता है। 65 रुपये बिकता है, सबसे तो बढ़िया ही हो आप। जैसे यहाँ पे मैंने अभी दो लोगों को इंटरव्यू किया था तो 60 रुपये में बेच रहे हैं आप, 65 रुपये में बेच रहे हो। हम लेते हैं। अच्छा उनका आप लेते हो? उनका भी लेते हैं। अच्छा तो कितने दूध कम से कम अपनी दुकान में आता है? दुकान में कम से कम 5 क्विंटल दूध आता है। 5 क्विंटल आता है। 65 रुपये में बेचते हो, लेते कितने रेट में हो? 59 में लेते हैं। 59 में लेते हो और 65 में बेचते हो, 6 रुपये का प्रॉफिट होता है। अच्छा तो कस्टमर आपके बने होंगे? हाँ कस्टमर बने हैं, दुकान पर से ही लेके जाते हैं। अच्छा तो पहले आपका डेयरी फार्म था या पहले दुकान थी? पहले डेयरी फार्म था फिर दुकान थी। अच्छा तो फिर जब आपका डेयरी फार्म था फिर इसके बाद आपने प्लान किया कि चलो एक आउटलेट बना लेते हैं, उससे दूध बिकता रहेगा हमारा और जो हमारे आसपास के किसान हैं। हाँ। अच्छा तो आप अपनी इन भैंसों को फीड क्या खिला रहे हो? चना चुन्नी खिला रहे हैं, खल खिला रहे हैं, कुट्टा खिला रहे हैं। अच्छा चना चुनी कुट्टी, कुट्टी वही क्या जो बियर वाला फेस है? बियर का, बाजरे का। अच्छा कई टाइप का आता है, 3-4 टाइप का होता है। अच्छा जो आपके पास भैंसे हैं मैक्सिमम कितना दूध का उत्पादन करती हैं? 14 भी देती हैं, कोई 10 भी देती है, मैक्सिमम तो 14-15 है। 14-15 है। अच्छा तो अभी जैसे आप युवा हो, अभी आपको कोई समस्या आई? कितने लोग आप काम कर लेते हो डेयरी में? 5 जने काम करते। 5 जने, कितनी प्रॉफिट हो जाती है, कितनी कमाई हो जाती है? महीने का 1-1.5 लाख। 1-1.5 लाख बच जाता है। जो आपके जैसे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इधर उधर ठोकर खा रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? डेयरी करें या कोई अन्य और काम करें या पढ़ाई करें? पढ़ाई करें। काम में प्रॉफिट ना है? प्रॉफिट है लेकिन मेहनत भी तो है। अच्छा मेहनत है, अगर जो व्यक्ति मेहनत कर सकता हो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो पढ़ाई भी करे काम भी करे मगर पढ़ाई जरूरी है। अच्छा पढ़ाई जरूरी है। भैंसों का काम में हर किसी से नहीं होता भैंसों का काम। अच्छा हर किसी से नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फीडबैक दिया। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद नाम है। मोहम्मद जुनैद जी। तो जुनैद जी ये बताइए, इस कॉलोनी में आप कब से भैंसे पाल रहे हो? हमारे तो बड़े बूढ़ों से ही पलती भी आ रही हैं भैंसे। अच्छा बड़े बूढ़ों से पलती हुई आ रही हैं, तो आप कब से संभाल रहे हो इन भैंसों को? हमारे तो पैदाइश से संभालते हुए आ रहे हैं हम, जैसे होश लिया हमने, जैसे हमारे बड़े बूढ़ों ने जैसे हमें काम दे दिया तो उसके हिसाब से हम संभालते हुए आ रहे हैं इस काम। अच्छा तो आप जब इस काम में आए जी, तो आपके बड़े बुजुर्ग कितनी भैंस आपको दे के गए थे कि आपको संभालना है? जब तो ऐसी दे गए थे 10-15 भैंस दे गए थे आप। अच्छा आप कितनी है? अब हैं ऐसे कोई 30-35 भैंस हैं। 30-35 हैं जी। अच्छा बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 10-12 हैं बच्चे भैंसों के। अच्छा 10-12 हैं जी जी। तो मैं आपकी कैटल कॉलोनी में आया हूँ, 3-4 किसानों से मिल चुका हूँ, अब आपसे मिल रहा हूँ फाइनली। ये बताइए यहाँ पे बच्चे तैयार किए जाते हैं? हाँ बच्चे तैयार करे जाते हैं, बड़े इन्हें पाल पोस के लिए इनको पशु तो दूध के लिए तैयारी करी जाती है इनके लिए। अच्छा हाँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके इस कैटल कॉलोनी में जी हरे चारे की कोई कमी नहीं है, जहाँ देखो हरा चारा कट रहा है। जी, ये जी, कहाँ से आता है? जी किसान भी लाते हैं, हमें भी जब हमें जरूरत खुद पड़ती है, किसान को कोई परेशानी हो जाती है तो वो नहीं ला पाता तो हमें भी जाना पड़ता है। अच्छा तो यहाँ पे कौन सा हरा चारा आता है? यहाँ पे यहाँ हरा चारा तो सभी तरह का आता है, ज्वार हुई, मक्का हुई, जई हुई, हरे में कुछ भी चीज़ ऐसा हुआ, ईख हुई, कुछ भी है नियार, मतलब सभी तरह का आता है। अच्छा जैसे इस समय मैं देख रहा हूँ नरवा भी है सूखा सा। जी जी। जो जिसे हमारे यहाँ करबी बोलते हैं। जी जी। और गन्ना हो गया जी, और जो है जई भी आती है, तो जई क्या रेट बिकती है और गन्ना क्या रेट बिकता है? देखो मंडी का कोई रेट नहीं होता है यहाँ पर, जो मंडी जो लगती है कभी 300 से तो कभी 200 पे भी आ जाए, कभी 250 पे भी आ जाए, कभी 150 पे भी आ जाए, मंडी का कोई रेट नहीं होता है, मंडी से खरीदी जाती है ये, खेतों में जो किसान लाते हैं मंडी में बेचते हैं, इनका कोई रेट नहीं होता है। अच्छा तो इस समय आज का रेट क्या है? आज का रेट है 300-350 तक का ईख का रेट है, गन्ने का रेट है। जी जी। और जई का रेट क्या है? जई का है 300-350 का, 300-350 रुपए क्विंटल जी। और ये सूखे का, जो सूखा नरवा जिसे बोलते हैं, सूखे का तो भैया कटिंग जो होत के नहीं आती है ये तो 700-750 रुपए, बहुत महंगाई हो गई है इस पे। अच्छा इसकी बहुत महंगाई हो रही है? जी इसकी महंगाई बहुत हो गई है, और इसके थ्रो से मतलब ईख में मिला के नहीं अच्छा खाती है चारा, तो उसकी वजह से महंगाई हो गई है। और 700-750 रुपये क्विंटल का प्याल आया था, ये प्याल बोलते हैं यहाँ पर, पैरा भी 750 रुपये क्विंटल आया जी था। अच्छा तो आप लोग भूसा तो स्टोर करते नहीं होंगे? ना भूसा स्टोर करते ही, जैसे मैं बारिश आ जाती है, जैसे नहीं जा पाता, नहीं आता मंडी में नियार व्यार, तो उसके वजह से भूखों कोई पशुओं को कोई भूखों कोई मारा जाएगा। ये बताइए आपके पास सेट तो है नहीं जी, आप स्टोर भी नहीं कर सकते, पैसे मान लीजिए आप कमाते हो जी, थोड़ा बड़ी तो कमाते ही होंगे, कितने दूध का उत्पादन होता है आपकी डेयरी में?
भाई दूध का तो कोई पता ना, ये तो भैंस जो हम ला रहे हैं 10 किलो दूध के, यहाँ पे आन के 5 किलो दूध की, तो इसका कोई वो ना लगाया जाता। नहीं फिर भी कितना उत्पादन हो रहा है आपके डेयरी में? ऐसा हो रहा है कोई 50-60 किलो दूध होता है बस। 40 भैंसों में ऐसा आना, कुछ भैंस 51 भी हैं जैसे दूध से छोड़ देते ही 6-7 महीने की। अच्छा। कुछ ऐसी भी हैं, कुछ ऐसी हैं कोई बाखड़ी हैं, उन्हें थोड़े थोड़े दूध पे हैं तो उनके वो लगाया जाता है। जैसे भैया मैं यहाँ पे देखा हूँ कि जो कैटल कॉलोनी में लोग पालते हैं ना जी, दूध देने वाली ही भैंसे पालते हैं, बाकी जो जो दूध छोड़ देती हैं ड्राई हो जाती है उनको तो भेज देते हैं, आप ऐसा नहीं करते क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा चुगाई पे भी चली जाती है, अच्छे ढोर के अच्छे आदमी हो के अच्छे इंसान हो कोई भी हो तो अच्छी की तो ज्यादा वो होगी इसकी तजर्बे। अच्छा इसकी तो कितने लोग काम कर लेते हो अपनी डेयरी का? अब हम जो कर लेते हैं 5 लोग हैं हम, बड़ी डेयरी है हमारी। अच्छा बड़ी डेयरी है तो 5 लोग हो जी, सब भाई लोग होगे कि बाहर के भी लोग हैं? नहीं ये है तो फिलहाल भाई लोग ही हैं। भाई लोग ही कर लेते हो जी। क्या रेट बेच लेते हो दूध? दूध तो यहाँ चल रहा 65 रुपए। 65 रुपए आपको थोड़ी बिकता होगा? नहीं हमारा तो 60 जा रहा। आपका 60 जा रहा, जिसको आप दूध देते होगे जी हलवाई को? हाँ हलवाई को, वो आपसे लेता होगा 60 रुपए में, फिर आप वो बेचता होगा 65 रुपए में। चलो ठीक है भाई, जो भी है इनकम हो आपको, थोड़ा सा जो आप करते हो डेयरी थोड़ा सा अच्छे से देखभाल करो इनकी, और इनका सेटअप थोड़ा अच्छे से बना लो, और जो ये फोटो जो अभी आप इतना महंगा खरीद रहे हो ना, इसको कोशिश करो कि हम खरीद लें साल का स्टॉक कर लें, कम से कम साल का ना स्टॉक कर पाए तो 6 महीने का स्टॉक कर लें, तब जाके आपकी पूंजी बचेगी और अच्छा आप काम करोगे। जी भैया जी ठीक है भैया, धन्यवाद जो आपने अपना फीडबैक दिया। किसान साथियों आशा करते हैं आपको बुलंदशहर के इस कैटल कॉलोनी का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगले नए किसी फार्मिंग के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।